मैं इस टाइप की टिकट मिली है। चल आज के इस व्लॉग में मैं कोची की मेट्रो दिखाऊंगा कि वो गिल्ली मेट्रो से कितनी ही सिमिलर है। और यार मैं पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था दिल्ली से कोची का ट्रेन सफ़र अपना, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप एक बार ज़रूर विजिट करना। और इस व्लॉग को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये है रेलवे स्टेशन, कोची का मेन रेलवे स्टेशन है और इधर है मेट्रो स्टेशन। अभी हम मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, अलोलाकुलम साउथ है। इसमें सिर्फ एक लाइन चलती है और अभी हम यहाँ पे हैं। तो ये है ये नोकी वाटर मेट्रो है, लाइन में लगाना पड़ता है जैसे पहले दिल्ली मेट्रो में लगते थे, अब तो मशीन आ चुकी है। मैं इस टाइप की टिकट मिली है जैसे आजकल दिल्ली मेट्रो में भी मिलती है। टाइप का गेट है, और यार क्लीननेस में तो बढ़िया है, जैसे दिल्ली मेट्रो भी कुछ कम नहीं है क्लीननेस में। तो गाइस जैसे कि दिल्ली मेट्रो में होता है कि जो फर्स्ट कोच है वो लेडीज़ के लिए बुक होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। इसमें दिल्ली मेट्रो की तरह ऊपर वायर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नीचे ये पोल है जिधर लेड सा कलर का डीजल लिखा हुआ है 750 वोल्ट डीसी का, इससे टच होते चलती है। പത്തരിപ്പാലം ഇന്റർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ Please mind the gap between the train and the platform. Platformum traininum ediyulavalum pratheegam shradhikkuna. Kochi University Indiramani Station. Please mind the gap between the train and the platform. Platform and train in the area of the platform. Please mind the gap between the Please stand away from the doors. Thank you.
गाइज यहाँ पे भी टिकट वेल्डिंग मशीन है, पर ये भी आउट ऑफ सर्विस है। गाइज मैंने भी आप तो कोची मेट्रो दिखाया, साफ सुथरी थी। पर यह हमारे जैसे दिल्ली मेट्रो में मिनिमम 6 कोच होते हैं और मैक्सिमम 8, पर यहाँ पे सिर्फ 3 कोच थे। वो थोड़ा टाइम भी लग रहा था आने में, हमारे तो 2-2 मिनट में आती रहती है मेट्रो, पर यहाँ पे टाइम लग रहा था। वो थोड़ा छोटी मेट्रो थी, हमारे जैसे थोड़ी बड़ी है लेंथ और ब्लेस दोनों में, इसलिए थोड़ा छोटा था। वैसे क्लीननेस मेयर बहुत है, अच्छा है, पूरा क्लीन कर रखा है स्टेशन भी मेट्रो भी। कोची की बस है, बस में भी आपको ट्रैवल करके दिखाऊंगा। यार अभी हमें इस साइड जाना है कोची यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, और आप तो दिखाते हैं कि सिटी में कितनी क्लीननेस है, साफ सफाई के मामले में कैसी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट है। हम कोची यूनिवर्सिटी, एक और चीज़ यार हमारी दिल्ली मेट्रो में नहीं होती, यहाँ पे होती है। एक दिन का पास मिल गया स्टूडेंट को 50 रुपीज़ का, वो एक दिन में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। यार ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दिल्ली में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक दिन का पास बन सके स्टूडेंट के लिए। और मंथली के लिए भी था, मंथ में शायद से 900 रुपये या 950 रुपये था। बोले एक बार मैं फिर जाऊँगा मेट्रो में तो आपको वीडियो में दिखा दूंगा और अच्छे से एक बार फिर बताऊंगा। वो अभी कोची यूनिवर्सिटी हम पहुंच चुके हैं, CUST मतलब कि कोची यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। मैंने आपको दिखाया आज कोची मेट्रो दिखाया था, आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको कोची के घुमाऊंगा कैसा दिखता है पूरा शहर। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार।